हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं SCSS स्कीम के बारे में। अब ये स्कीम क्या है, इसके बारे में जानने के लिए इस पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको भी अपने बुढ़ापे की टेंशन होती है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इस टेंशन से दूर हो जाओगे। मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। बात करते हैं अगर इसके इंटरेस्ट की, तो यहाँ पर आपको 8.2% का इंटरेस्ट रेट पर एनम मिल रहा है 2024 के फर्स्ट क्वार्टर तक, ठीक है, यानी कि मार्च 2024 तक। इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं इसके अकाउंट ओपनिंग की, तो यहाँ पर आप मिनिमम 1,000 रुपये एंड मैक्सिमम 30 लाख रुपये तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं इसके सिक्योरिटी की, तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ मानी जाती है। इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट 8.2% मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट देने वाली स्कीम में से एक है। इसी के अलावा इसमें आप अपने नॉमिनेशन डाल सकते हो एंड आप अपना नॉमिनेशन जो भी आप जिसका भी देते हो उसका कैंसिल भी कर सकते हो एंड चेंज कर सकते हो। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपको अदर सुविधाएं मिलती हैं, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हो, जैसे कि टैक्स बेनिफिट। आपको 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट भी इसके अंदर मिलता है। गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने की वजह से इस पे आप भरोसा भी अच्छे से कर सकते हो। इसी के अलावा अगर हम इसके एक और ख़ास चीज़ की बात करते हैं, तो आप कहीं पर भी लाइक आप जाकर पोस्ट ऑफिस में, किसी भी बैंक में जाकर ये आप अपना एक स्कीम चालू करवा सकते हो। एंड इसी के अलावा आपको एक और जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप इस स्कीम को ऑनलाइन ओपन करवाना चाहते हो तो ये आप नहीं कर सकते हो। आपको आपकी नज़दीकी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस जाकर ही इस अकाउंट को, इस स्कीम को ओपन करवाना होगा। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो आपकी उम्र 55 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। एंड इसकी एक और ख़ास बात है कि इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है, जिसको आप 3 साल तक का बढ़ा भी सकते हो। अगर आप प्री मैच्योर इसका विड्रॉल लेते हो एंड अगर आप मैच्योरिटी के पहले साल में ही इसका विड्रॉल लेना चाहते हो, तो आपके अपने डिपॉजिट अमाउंट का 1% पेनल्टी चार्ज देना होगा। इसके बाद आप अपना विड्रॉल ले सकते हो। एंड इसी के अलावा एक और जो बड़ा अपडेट आया हुआ है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, वो ये है कि अगर आपने अभी तक अपना आधार कार्ड नहीं लगाया हुआ है एंड आपने ऑलरेडी अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, तो आपको अपना आधार कार्ड लगाना होगा एंड साथ ही आपको अपना पैन कार्ड भी लगाना होगा। एंड अगर आप नया अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो, तो आपको ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं ताकि आप अकाउंट ओपन करवा सको। ये थे कुछ अपडेट जिनको आप देख सकते हो कि कितना बड़ा आप लाभ उठा सकते हो। इसी के बाद अगर हम इस अकाउंट में बात करते हैं, तो यहाँ पर आप जो है 30 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो हम 30 लाख की एक कैलकुलेशन लेकर चलते हैं एंड यहाँ पर मान के चलते हैं कि आप किस हद तक कितना आप जो है प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। यहाँ पर जो आपको रिटर्न मिलता है वो 8.2% का मिलता है। मैच्योरिटी पीरियड इसका 5 साल है, जिसको आप 8 साल तक का कर सकते हो, यानी कि 3 साल बढ़ा सकते हो। तो आप देखोगे कि आप 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो एंड उसकी वैल्यू 56 लाख हो जाती है आपके 8 सालों में, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ है। एंड अगर आप अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हो, तो आप इस स्ट्रेटेजी को, इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। उम्मीद करूंगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।